जितने लोग वीडियो पहले देख रहे हैं, पहले मैं बोलूँगा वीडियो इतना शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह के कृत्य जो बच्चे रोड पे करते हैं वो लोग ना करें। और जो है माता पिता को मैं सलाह दूंगा कि वो मजदूरी कर करके वो कहीं से कुछ काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। नो क्यों तो क्या कहा जाएगा, ये बदनाम देश को कर रहे हैं। हाँ और क्या, आप क्या अपने बच्चों को कहेंगे भीख मांगने जाओ? नहीं पढ़ाते नहीं है लोग नहीं। क्या कहते हैं लोग, भीख मांगे भीख मांगे कहते हैं, जाओ मांगो सब अपने। हाँ। मांगती हो अच्छा, माता पिता कहते हैं मांगो। हाँ। अच्छा रुको इधर आओ, क्या नाम है पूछ रहे हैं? कहाँ घर है? बैकुंठी। बैकुंठी, माता पिता कहाँ है? घरे। घरे, माता पिता कहते हैं जाओ मांगो। हाँ। किस लिए मांग रही हो तुम? बोलो। रुको यहाँ पे रुको। हाँ। किस लिए मांग रही हो? हाँ। इधर कहाँ भाग रही, रुको, किस लिए मांग रही हो? बोले, बोले, बताओ सही से बताओ, तो आप लोग को दिया जाएगा ना। बोलो बोलो। खाए खाती। अच्छा तो चुनरी कहाँ ली हो इसमें? हाँ मांगे। बोलो बोलो बोलो। अच्छा बताओ माता पिता पढ़ाते नहीं है क्या तुमको? नहीं। क्या कहते हैं लोग? कहाँ घर, कहाँ घर है? घुघुली। घुघुली। अच्छा अच्छा घुघुली घर है। माँ पापा क्या नाम है? चुनरी लगा मांग रही हो? तुमको पढ़ने लिखने की उम्र है ना, पढ़ना चाहिए तुमको ना। ज्यादा नाम पढ़ाते नहीं है लोग? नहीं। क्या कहते हैं लोग? भीख मांगे भीख मांगे कहते हैं जाओ मांगो सब अपने। हाँ। हम मांगती। अच्छा, माता पिता कहते हैं मांगो। हाँ। अच्छा तो देखिए मांग रही है लड़की जो है कि इसके माता पिता यही इसको सिखाए हैं कि जाओ आराम से रोड पे भीख मांगो। और ये आस्था से कहीं ना कहीं लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो चुनरी है इसको रख लिए हैं, ये जो दौरी बोला जाता है दौरी में, और आस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ने की उम्र है, शिक्षा देने की ज़रूरत है, कुछ आगे कर पाएँ, लेकिन माता पिता ऐसा इस लोगों को सद्बुद्धि दे रहे हैं, ऐसा बुद्धि दे रहे हैं कि ये लोग सिर्फ रोड पर जा करके पैसा मांगने का काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं आप लोग जो है कि सहायता न करें और इनको सीधे सलाह दीजिए आप लोग कि आप लोग अपने माता पिता से कहो कि हमको पढ़ाए लिखाएं किस तरह का मजदूरी कर करके। क्या बोले? हमेशा नहीं मांग देती, युवा है ना इसके लिए मांग रहे, नहीं तो हमेशा नहीं मांग। उचित है, उचित है ये सब करना? नहीं, चुनरी हाथ में लेकर के मांगना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं माता पिता। लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी त्योहार के समय में मांग लेती है लेकिन बाकी समय नहीं मांगती है। मांगे लड़का हम कौन बात है? अच्छा तो माता पिता गरीब रहते, स्थिति खराब रहती तो वो लोग मांगते समझ में आता, लेकिन बच्चों का उम्र है पढ़ने लिखने का, उससे भीख मांगवा जा रहा है गलत नहीं है? सही बात हुआ, लेकिन का कहल जाइए बोल उनके माता पिता का कहल जाए, बताओ कौन दवाई बा हम लगे माता पिता कौनो बिरादर है? माता पिता तो पढ़ा लिखा कर उसको कुछ पढ़ा लिखा बना दे सकते थे मजदूरी कर करके। सही बात है, सही बात, कोई जरूरी सब शिक्षा देना जाओ भीख मांगो? अरे तो मातारी बापे कमी न है। अच्छा जनला मातारी बापे कमी और का रोडे के बारे में बनवावा सब है, दूसर कोनो बात नहीं। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो रोड पर के घूमते और मांगते नजर आ जाएंगे, माता पिता उनको न तो मजदूरी करके शिक्षा देते हैं, बस उनको शिक्षा यही देते हैं जाओ रोड में भीख मांगो, तो कहीं ना कहीं गलत है। और जितने लोग इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर आपराधिक दंड है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अपराध का एक केस लगना चाहिए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोग को मजदूरी कर करके अगर किसी तरह से माँ बाप सक्षम नहीं है, वो लोग कहीं ना मांगते और बच्चों को पढ़ाते तो कितना अच्छा काम करते, लेकिन बच्चे सब छोटे छोटे हैं, न तो उनको नॉलेज है कुछ, सिर्फ इतना ही नॉलेज है कि वो खा सकते हैं दो की रोटी और पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं दे करके, उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, और शिक्षा न दे करके उन लोगों से सिर्फ भीख मंगवाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बाबू क्या नाम है आपका? रईस खान। रईस खान क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। कितने क्लास में पढ़ते हैं? फाइव। फाइव क्लास में पढ़ते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? समीम। समीम कितने क्लास में पढ़ते हैं? चार। चार क्लास में पढ़ते हैं। कहीं आपके माता पिता तो नहीं कहते हैं जाओ भीख मांगो? वो लोग पढ़ाते हैं ना? हाँ। अच्छा आपके माता पिता ऐसा काम करने के लिए कहते नहीं? नहीं नहीं कहते हैं जाओ पढ़ो बेटा। अच्छा पढ़ने के लिए बोलते हैं? हाँ।
तो कहीं ना तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन लोगों को आप बढ़ावा मत दीजिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये लोग इस तरह का काम न करें और जो भी माता पिता हैं वो इन बच्चों को पढ़ाएं। क्या कहेंगे इस मामले में जो बच्चों को भीख मंगवाते हैं? तो क्या कहा जाएगा, ये बदनाम देश को कर रहे हैं। और क्या आप क्या अपने बच्चों को कहेंगे भीख मांगने का? नहीं नहीं। क्या करते हैं आप बच्चों को? क्या हमारा बच्चे घर पर काम करते हैं, अच्छा बाहर भी कमाते हैं, अच्छा दो पतोई हैं, नतनी है पढ़ती हैं, इतने तो नतनी जो है बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए आप लोग सलाह देते हैं? हाँ। और ऐसे माता पिता रोज झगड़ा करते हैं पढ़ लही खाती पढ़ने जा, हम नहीं पढ़े हैं तो बाल बच्चा तो कम से कम 10 क्लास पढ़ ले, नहीं कुछ पढ़ो तो 10 ले पढ़ना चाहिए। ऐसे कई माता पिता जो कहते हैं बच्चों को भीख मंगवाते हैं, उनको क्या भीख? भीख कहा मंगवाते, भीख मांग के मजदूरी करके बच्चे के पढ़ाओ। हाँ, भीख मांगने के बाद तो जो माता पिता इस काम को इस बच्चे से ऐसा कृत्य कराते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बच्चा है उसको, जितने लोग वीडियो पहले देख रहे हैं, पहले मैं बोलूँगा एक वीडियो इतना शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह के कृत्य जो बच्चे रोड पे करते हैं वो लोग ना करें। और जो है माता पिता को मैं सलाह दूंगा कि वो मजदूरी कर करके वो कहीं से कुछ काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, न कि उनको बच्चों को भविष्य, न कि वो बच्चों को अपने भविष्य खराब करें, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं और कहते हैं कि रोड पे जाओ भीख मांगो। इस तरह से लड़की मिली हुई थी और रोड पे भीख मांग रही थी, तो इसका जो कहीं ना कहीं भविष्य जो भविष्य है अंधकार में डूबता नजर आ रहा है और आगे चल करके कुछ कर नहीं पाएगी और सिर्फ भीख मांगते ही रह जाएगी। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं इनको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, सिर्फ भीख मांगते ही रह जाएंगे। और मैं सलाह दूंगा, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चे भीख न मांगे और माता पिता इस तरह से भीख न मंगवाए बच्चों को। और बच्चे जो हैं, बच्चों को आप लोग शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ाने का प्रयास कीजिए, कुछ बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी एक छोटा सा प्रयास है, वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।